मान लीजिए अगर आपके सामने चोरी हुई है और आपने चोर को देखा है पर आपको ये बोला जाता है चोरी तो हुई है बट आपने चोर के बारे में नहीं बताना या आइडेंटिफाई नहीं करना। सिमिलरली आपने मर्डर होते हुए देखा है पर आपको बोला जाता है मर्डर तो हुआ है, बहुत दुख की बात है, बहुत ये नहीं होना चाहिए था, पर आपको मर्डरर को आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको मर्डरर का नाम नहीं बताना है, तो आपको कैसा लगेगा? वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। हमारे देश में ऐसा ही होता है, जुडिशरी ऐसी ही बनी हुई है। आपको बोला जाता है भी चोरी हुई है, गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, गलत हुआ है, बट अगर आपको ये भी बोला जाए कि आपने चोर या मर्डरर का नाम नहीं बताना। ये मुझे याद आता है शोले में, जहां पे गब्बर सिंह जाता है गांव में और वो गांव में वहां की बस्ती के लोगों को बोलता है, गांव के लोगों को बोलता है कि अगर मेरे लोग तुमसे थोड़ा अनाज लेके चले जाते हैं तो इसमें क्या तुम्हें दिक्कत है, वो तुम्हारी तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, तो इनको अनाज मत मना करना। और किसी ने कहीं पे किसी को बताया तो उसको पता है उसका क्या हाल होगा। ये बात मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी इसी मार्गदर्शन पे चल रही है। जुडिशरी से ज्यादा जो जुडिशरी को रन करने वाले हमारे जजेस हैं वो ऐसे ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। हमारे जजेस ये कहते हैं आप ऑर्डर को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जजमेंट को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट आप जज को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। इमेजिन कि आप चोर को चोरी होते हुए देख तो सकते हैं, आप चोरी को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट आप चोर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप मर्डर के बारे में तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर आप मर्डरर को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। और ये जजेस आज के डेट में अपने आप को जुडिशरी, जो इनकी माँ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड एक बॉडी है, उसको अपने ऊपर मानते हैं कि वो जुडिशरी का ऑर्डर अपनी माँ को क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं, पर वो कहते हैं जो माँ जजेस को प्रोटेक्ट करती है आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ शेमलेसनेस। अगर आप जज का कोई ऑर्डर क्रिटिसाइज करेंगे आपके ऊपर कंटेम्प्ट ना के बराबर होगा, नहीं होगा, बट अगर आप उसी जज के बारे में वीडियो बनाते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हुए तो आपके ऊपर 100% कंटेम्प्ट होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जजेस आप देखिए किस तरह इनसिक्योर ये लोग होते हैं और इन्होंने जो बेसिक टेनेट है जो जुडिशरी का, उसी को किस तरह इन्होंने मैनिपुलेट करके अपने आप को तो बचाया हुआ है, जबकि इनकी माँ जुडिशरी उसको वो कहते हैं भाई आप उनको गालियां दे दो बट आप हमें अगर गाली दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो दुआ वाली बात है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स तो नहीं दिख रहे ये लोग लेके आ रहे हैं फॉर सो कॉल्ड, या मैं एक्सपेक्ट करता था राम राज्य, जहाँ पे ये जुडिशरी और जजेस को रिफॉर्म्स करें। आज की डेट में भी कानून अंधा है, अंधे तरीके से चलाया जा रहा है, जजेस गलत ऑर्डर्स और जजमेंट देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप जजेस के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है या आपको हरास किया जाता है, तो ये लोग क्या जस्टिस देंगे जो अपनी जुडिशरी जैसी माँ को जस्टिस नहीं दे पाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अब्यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दूर दूर तक जस्टिस नहीं दे पाते हैं, जिसके प्रीएम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।